दोस्तों, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी दिया है, बहुत ही एक तोहफा दिया है। दोस्तों, अगर आप झारखंड के वासी हैं और भारत के किसी अन्य राज्य में लॉकडाउन होने की वजह से फंस चुके हैं, तो झारखंड सरकार आपको झारखंड कोरोना सहायता योजना के तहत आपको कुछ सहायता करने वाली है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। लेकिन इसके लिए आपको खुद से घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप जहां भी बैठे हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उस स्मार्टफोन से ही आप अपना या अपने फैमिली का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उस टर्म्स एंड कंडीशन का आपको फुलफिल करना होगा। अगर हम बात करें दोस्तों इस योजना की, तो योजना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हम बात करें बिहार के, जो हमारे पड़ोसी राज्य है, इसलिए बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ बिहार कोरोना तत्काल सहायता योजना के महत्व, जितने बिहार के लोग हैं, बिहार के अन्य राज्य में लोग जैसे फंस चुके हैं, तो उन्हें भी 1,000 रुपये देने की घोषणा किया है। अगर आप बिहार से हमारा वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और ऐसे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप घर बैठे ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कर लें, आपके खाते में पैसा आपका आ जाएगा। ठीक है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे दिखा दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड का, तो झारखंड में भी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा डिटेल में बता देता हूँ, सारा डिटेल आपको बताऊँ। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपके पास में कुछ चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास में है तो बेल को, ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पे आपको आधार कार्ड का यहाँ पे एक इमेज लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका वो झारखंड से राज्य से इशू किया हो, आप कहीं से भी रख सकते हैं, कोई सी भी कहीं से आप इसको सिम जो है आप कहीं से इशू हो सकता है, इसको कोई मैंडेटरी नहीं है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपसे बैंक का डिटेल, जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर किया जाए, हालांकि उन्होंने अभी तक पैसा कोई जिक्र नहीं किया है कि कितने राशि देंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था, जो यार मुझे जानने में मिला है कि 1,000 से लेकर 2,000 के बीच में वो देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटेल मैं बता दूँ बैंक रिलेटेड, तो बैंक में आपका झारखंड राज्य में किसी भी बैंक में और किसी भी शाखा में, ठीक है, जैसे सुन लीजिए, झारखंड में किसी भी बैंक में और किसी भी शाखा में आपका एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर आपका उससे डिटेल होगा सारा डिटेल, चूंकि आपको वहाँ पर डिटेल सारा मांगा जाएगा, सारा डिटेल अगर रहेगा तभी जा करके आपको धनराशि इस योजना के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन अभी यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हैं, कर लें। ठीक है, इसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट इसका नाम है covid19help@jharkhand.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, आप यहाँ से इस पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर ये ऐप डाउनलोड हो जाता है, तो डाउनलोड होने के बाद कुछ मेरे ख्याल से कुछ प्रोसेस इसका ऐसा ही होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको इस डेमो दिखाया जाएगा, जैसे कि बिहार सरकार का ऐप में दिखा रहा था, शायद वो इसी प्रकार से बेसिक से बात करें तो बेसिक इसका जो ऐप होगा मेरे ख्याल से वो बिहार सरकार का ऐप के माध्यम से जैसा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा नाम, आपका नाम पता डिटेल मांगा जाएगा, गांव गांव का क्या नाम है, पंचायत का क्या नाम है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ पे, सर डिटेल आपसे कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कहा जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे क्लिक करें, तब आपको अपना आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे देना है। ठीक, उसके बाद ही आपको अपना सेल्फी लेना, तो सेल्फी में आप कोशिश करें कि सिर्फ आपका फेस आना चाहिए, ना कि आप किसी स्टाइल में दें, और ना ही आपको अपना कोई पासपोर्ट साइज का फोटो दे देना, सिर्फ आपको सेल्फी में सिर्फ आपका जो है फेस ही आना चाहिए। ठीक है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका जीपीएस एक्टिवेट, तभी जो आपका रजिस्ट्रेशन जो बिल्कुल फुलफिल सही ढंग से होगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी इस ऐप में काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, या फिर हर एक चीज को डिटेल का आपको देखा जाएगा, पिछले कितने दिन से एरिया में रह रहे हैं, या फिर आपका डिटेल कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो जितने अच्छे से आप सही से बिल्कुल आंसर देंगे, उतने सही से ही आपको सब डेटा फिच किया जाएगा, सारा डेटा चेक किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको 7 दिन के अंदर ही आपके खाते में पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही इस ऐप को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं आपको जान जाऊँ, मेरे पास डिटेल सर आ जाए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और आप घर बैठे यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए और कंटिन्यू हमारे वीडियो को आप वॉच करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।